अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, गुजराती के इस पीरियड में आज हम आगे बढ़ते हुए दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो व्याकरण एकम 3 में से है और वो है रूढ़ि प्रयोग। तो सबसे पहले हम रूढ़ि प्रयोग का अर्थ क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। मूल अर्थ थी जुदो, एटले के लाक्षणिक अर्थ आप तो जे शब्द प्रयोग भाषा में रूढ़ थई गयो होय तेने रूढ़ि प्रयोग कहे छे। क्या कहते हैं कि मूल अर्थ थी जुदो, यानी इसका जो खास मतलब है, जो मेन उसका मीनिंग है, उससे अलग लेकिन लाक्षणिक, मतलब मिलता जुलता उसकी खसूसियात दिखाता हुआ जो अर्थ देता हो, वो शब्द प्रयोग अगर भाषा में रूढ़ हो गया हो, यानी एक तरह से फिक्स हो गया हो, परंपरागत स्वरूप से वो चला ही आ रहा हो पहले से, तो उसे रूढ़ि प्रयोग कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कई रूढ़ि प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के ज़रिए अब हम समझेंगे कि मनन बैट लावी आप्पा माटे मम्मी नू माथू खाई गयो। यहाँ क्या मिसाल दी गई है कि मनन नाम का जो लड़का है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे बैट दिला दो, और इतनी कंटिन्यू वो ज़िद करता है कि यहाँ कौन से रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हमें ये बात बताई गई है कि मम्मी नू माथू खाई गयो, यानी मम्मी का दिमाग खा गया, बहुत उनको ज़िद करने लगा। अब यहाँ देख, अगर गौर किया जाए तो अहीं माथू खाई गयो ए रूढ़ि प्रयोग छे, माथू खाई गयो ये रूढ़ि प्रयोग है, लेकिन खाई जऊ नो मूळ अर्थ गड़ी जऊ एवो थाय छे। मतलब यहाँ जो खाई जऊ है इसका मूळ अर्थ, यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, गड़ी जऊ यानी निंगल जाना या खा जाना, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, परंतु अहीं तेनो अर्थ कंटाड़ो आपवो, हैरान करवू एवो थाय छे। लेकिन यहाँ माथू खाई गयो का अर्थ क्या होता है, कंटाड़ो आपवो यानी परेशान करना, हैरान करवू, बहुत ही कंटाला दिलाना, ये इसका अर्थ होता है जो उसका लाक्षणिक अर्थ है। लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका अलग है, लेकिन हमें शाब्दिक अर्थ के ताल्लुक से नहीं बात करनी है, इसका जो लाक्षणिक अर्थ है जो थोड़ा हटके है उस पर हमें यहाँ गौर करना है। आम मूल अर्थ थी जुदो अर्थ आपनारा शब्द समूह ने रूढ़ि प्रयोग कहवाई, यानी ऐसे ही जो उसका शाब्दिक अर्थ है, मूल अर्थ है, उससे अलग अर्थ देने वाले शब्द समूह को रूढ़ि प्रयोग कहते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई बार हमसे काम करवाने के लिए अगर हमारा कोई दोस्त है या घर में कोई है तो हमें हमारी खुशामदीन करता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमें मुझे मस्का लगाना बंद कर। तो अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सच में हमें वो मक्खन या मस्का नहीं लगा रहा होता है, लेकिन बातों से मतलब कि हमें फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो मस्का लगाना, जैसे कि ये भी एक रूढ़ि प्रयोग है। कुछ रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए हम समझेंगे, अधूरो घड़ो छलकाए गणो, अपूर्ण ज्ञान होवा छता ज्ञानी होवानु गुमान दाखवे। यहाँ क्या कहते हैं, इसका अनुभव आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि जो हम पानी भरते हैं जो घड़े से, अगर वो अधूरा है, कम भरा हुआ है, तो वो ज़्यादा छलकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसे मुकम्मल तौर से, सही तौर से भर दिया जाए तो छलकने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ ये रूढ़ि प्रयोग के ज़रिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि अपूर्ण ज्ञान यानी कम इल्म होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, वो ऐसा बताते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, ऐसा नाटक, ऐसा मतलब के दिखावा करते हैं। आँखें आंसूनू तोरण बंधाई जाऊँ, एक धारू रड़िया करूँ। आँखें आंसूनू तोरण बंधाई जाऊँ यानी एक जैसा रोते रहना, आँखों में से आंसू की मतलब के जो धारा है, आंसू की जो बूंदे है वो कंटिन्यू गिरते रहना। कजियानू मोह काड़ू थवूँ करूँ, क्लेश थी वेगड़ा रहूँ, मतलब के झगड़े से दूर रहना या हो सके वहाँ तक ये जो झगड़ा है उसको अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना। कड़वो गुटड़ो गड़ी जो यानी कड़वा गुट पी लेना, उसका अर्थ क्या होता है, अपमान सहन करी लेऊ यानी अपमान सहन कर लेना यानी बेइज्जती सहन कर लेना। कैड़ पर काकरो मुको, कैड़ पर काकरो मुको यानी सख्त मेहनत करवी, मतलब के बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कुछ और रूढ़ि प्रयोग हम देखेंगे, डागड़ी चस्की जवी, मतलब पागल थई जऊँ, जो हमने शरणाई के सुरपाठ में देखा था, अक्सर ये पूछा भी जाता है
के डागड़ी चस्की जेवी रूढ़ी प्रयोग अर्थ शू थाय छे तो आपको याद रखना है पागल थई जवू, पागल हो जाना, दीपक होलवाई जव मतलब चिराग बुझ जाना। तो इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है, मृत्यु पाऊँ। हम कहते हैं ना भाई इसका घर का चिराग अब बुझ गया है, तो जो मतलब के इनके घर का एक सदस्य है या बेटा है वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाना। दुखे पेट अने कूटे माथू, तो यहाँ क्या कहते हैं यानी दुखे पेट अने कूटे माथू, तो एक बात नो दुख बीजी बात में व्यक्त थव, यानी तकलीफ किसी एक चीज़ से है लेकिन वो तकलीफ का इजहार जो है वो दूसरी बात में करना। सोड ताणवी मतलब एकदम लंबे होके सो जाना, या निरांते सू या मृत्यु पाऊँ, जब इंसान मर जाता है तो वो भी ऐसे ही मतलब के सोड ताण के मतलब सीधा सो जाता है। तो इसका लाक्षणिक अर्थ होता है मृत्यु पाऊँ। सोपानो सर करवा मतलब सिद्धियों हासिल करवी, मतलब कामयाबी की बुलंदियों को छूना, एक के बाद एक कामयाबियों को हासिल करना। हृदय हाथ ना रहू मतलब हिम्मत के धीरज न रहवी, मतलब किसी भी सिचुएशन में जब बहुत उलझन में हम होते हैं तो हमारे दिल में किसी भी तरह मतलब के चैन नहीं आता, बेचैनी रहती है, मतलब हिम्मत भी नहीं रहती है और धीरज यानी के सब्र भी नहीं रहता है, एक तरह की बेचैनी रहती है। तो कहते हैं कि हृदय हाथ न रहे मतलब दिल हाथों में नहीं है, उसे किसी भी तरह सुकून नहीं है, न हिम्मत है न धीरज है यानी कि न सब्र है। ज्या लगी श्वास त्या लगी आस, यानि आशा अमर छे, मतलब हम कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कभी भी मतलब कि जब तक हमारी सांस है मतलब जब तक हम जिंदा है, जब तक हम सांसें ले रहे हैं तब तक जो हमारी उम्मीद है वो टूटनी नहीं चाहिए, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है, आस यानि उम्मीद है, तो आशा अमर है, अमर यानि कि कभी भी जो ख़त्म नहीं होती है, कभी भी मरती नहीं है वो, तो आशा अमर छे मतलब उम्मीद कायम रहती है। तो हमें भी हर परिस्थितियों में उम्मीद को जगाए रखना है, कभी भी हार नहीं माननी है, ऐसा ये रूढ़ी प्रयोग के जरिए हमें सीख मिलती है। झाजी कीड़ियों सापने ताणे, नाना पण घणा होय तो मोटू काम करे, बहुत ही अच्छा रूढ़ी प्रयोग है ये। क्या कहते हैं कि झाजी कीड़ियों, झाजी यानी के बहुत ज़्यादा, झाजी यानी बहुत ज़्यादा और कीड़ियों यानी चींटियाँ, तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ मिलकर भी एक सांप को खींच सकती है। अक्सर अगर आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कहीं, तो अगर सांप को ज़रा सा भी कोई ज़ख्म हो जाता है ना तो वो ज़ख्म पर चींटियाँ तुरंत ही मतलब के उसके पीछे पड़ जाती है, और एक बार अगर सांप के ज़ख्म से चींटियाँ जो है वो चिपक गई तो समझो कि सांप का मरना तय है। तो इसी तरह यहाँ कहते हैं कि छोटे हुए तो क्या हुआ लेकिन बहुत सब ज़्यादा मिलकर भी बड़ा काम कर सकते हैं, मतलब कहते हैं ना हम के आपने जैसे बचपन में सुनी होगी वो कहानी कि एक लकड़ी टूट जाती है और बहुत सारी लकड़ी जब जमा करके उसका भाला बना लो और उसको तोड़ो तो वो टूटता नहीं है, एकता में ही बल है, ऐसा हमेशा हम बचपन से ही ये जो कहानी है वो सुनते आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ साबित होती है कि बहुत सारी चींटियाँ मिलकर, चाहे भले ही वो छोटी हो लेकिन बहुत सारी चींटियाँ मिलकर एक सांप को भी खींच सकती है या उसे भी ख़त्म कर सकती है। तो भले ही हमारा वजूद बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, हम छोटे हो, कद में हो या रुतबे में हो, लेकिन अगर हम मिल जाए तो हम बड़े से बड़ा काम आसान कर सकते हैं, वही बात यहाँ रूढ़ी प्रयोग के जरिए हमें बताई गई है। नवरो बैठो नखोद वाड़े, नवरो याने फ्री जिसे काम नहीं है वह, काम वगर नो मानस मुश्किली उभी करे, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना वो हमेशा दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, वही यहाँ रूढ़ी प्रयोग है कि नवरो बैठो नखो द्वाड़े, मतलब खुद के पास कोई काम नहीं है तो दूसरों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। पाड़ा ना वाके पखाली ने दाम, तो यहाँ एक ने वाके बीजा ने सजा, मतलब गलती किसी एक की होती है लेकिन उसके साथ दूसरे को भी सजा मिल जाती है, तो क्या कहेंगे उसे रूढ़ी प्रयोग में, पाड़ा ना वाके पखाली ने दाम, यानी एक ने वाके, वाके मतलब के एक की गलती से, एक की गलती से दूसरे को सजा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये रूढ़ी प्रयोग समझ में आए होंगे,
ये तो कुछ ही मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाने के लिए लिए थे। आपकी टेक्स्ट बुक में और भी रूढ़ी प्रयोग है जो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं और अपनी नोट में भी लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।